राजस्थान से आई बड़ी खबर सामने। जालौर हत्याकांड से आहत होकर कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने दिया इस्तीफा। विधायक मेघवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर दिया इस्तीफा, जिसमें लिखा है कि भारत देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। देश आज़ादी के अमृत महोत्सव को पूरे हर्षोल्लास से मना रहा है। मैं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी प्रदेश में दलित और वंचित वर्ग पर लगातार हो रहे अत्याचारों से मेरा मन काफ़ी आहत है। मेरा समाज आज जिस प्रकार की यातनाएं झेल रहा है, उसका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। प्रदेश में दलित और वंचितों को मटकी से पानी पीने के नाम पर तो कहीं घोड़ी पर चढ़ने और मूंछ रखने पर घोर यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। जांच के नाम पर फाइलों को इधर से उधर घुमाकर न्याय प्रक्रिया को अटकाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में दलितों और वंचितों के लिए जिस समानता के अधिकार का प्रावधान किया था, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। दलितों पर अत्याचार के ज़्यादातर मामले में FIR लगा दी जाती है। कई बार ऐसे मामलों को जब मैंने विधानसभा में उठाया, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन हरकत में नहीं आया। जब हम हमारे समाज के अधिकारों की रक्षा करने एवं उन्हें न्याय दिलवाने में नाकाम होने लगे, तो हमें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतः मेरी अंतरात्मा की आवाज़ पर विधायक पद से इस्तीफा देता हूँ। विधायक पद से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें, ताकि मैं बिना पद के ही समाज के लिए वंचित और शोषित वर्ग की सेवा कर सकूं। निश्चित तौर पर बहुजन समाज और बहुजन समाज से चुने गए जनप्रतिनिधि अब जाग रहे हैं। वो सच और झूठ में फर्क पहचान कर रहे हैं। वो कांग्रेस और BJP की ओछी हरकतों को अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। शायद इसीलिए आज कांग्रेस विधायक द्वारा ये इस्तीफा दिया गया है। आगे और क्या होता है, क्या मोड़ आता है, कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं, ये अभी देखना बाकी है। फिलहाल आप देखते रहिए जनहित आवाज़, ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।